हेलो। तो हम आ गए हैं नए लेक्चर के साथ और आज हमारा टॉपिक है प्रोकैरियोटिक सेल्स। अच्छा भाई, तो हम शुरू करते हैं प्रोकैरियोटिक सेल से। अभी के अभी कौन पढ़ेगा मेरे साथ? अभी के अभी मैं पढ़ूंगा तुम्हारे साथ। अभी के अभी चलिए शुरू करते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स। द प्रोकैरियोटिक सेल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा, एमपीपीएलओ, प्लूरो न्यूमोनो नोमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स। ठीक है भाई, ब्लू ग्रीन एल्गी को हम क्या बोलते हैं? साइनोबैक्टीरिया। ठीक है ना भाई, भाई इसे खुद समझ लेना भाई, इतनी राइटिंग आ रही है भाई इसमें। ठीक है ना भाई, बीजीए को हम बोलते हैं साइनोबैक्टीरिया, भी हम इसको बोलते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट, दे आर जनरली स्मॉलर एंड मल्टीप्लाई मोर रैपिडली देन द यूकैरियोटिक सेल्स। जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं वो जनरली जो है स्मॉलर होते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं बहुत ज़्यादा तेज़ी से, किससे? यूकैरियोटिक सेल्स के मुकाबले। ठीक है, दे मे वरी ग्रेटली इन शेप एंड साइज। ये जो अपने शेप और साइज के अंदर हैं बहुत ज़्यादा चेंजेस ला सकते हैं, वैरायटी बहुत ज़्यादा हो सकती है शेप में और साइज में। द फोर बेसिक शेप्स ऑफ बैक्टीरिया आर रोड लाइक, बेसिलस, कोकस, स्पेरिकल, विब्रियो, कोमा शेप्ड एंड स्पायरलम स्पायरल। देखिए रोड लाइक तो ये हो गया सिंपल, ये तो हो गया रोड लाइक। उसके बाद है हमारे पास कोकस, स्फेरिकल, विब्रियो, कोमा, ऐसे कुछ कर दो यार, ऐसे ये कोमा शेप हो गया। फिर हमारे पास एक है स्पायरलम, ऐसे करो इस तरह स्पायरल टाइप। ठीक है ना, चार शेप इनकी जनरली यही होती है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। प्रोकैरियोट्स हैव अ सेल वॉल सराउंडिंग द सेल मेम्ब्रेन एक्सेप्ट इन माइकोप्लाज्म। अब देखिए मैंने यहाँ ये तो पढ़ दिया आपके सामने, प्रोकैरियोट्स हैव अ सेल वॉल सराउंडिंग द सेल मेम्ब्रेन एक्सेप्ट इन माइकोप्लाज्म, लेकिन मैंने एक वर्ड छोड़ा है यहाँ पे, देखिए ये ऑल, ये वर्ड छोड़ा है, इसकी वजह से भी इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाती है। तो ऑल प्रोकैरियोट्स हैव अ सेल वॉल सराउंडिंग द सेल मेम्ब्रेन एक्सेप्ट इन माइकोप्लाज्म, ये वाला। ठीक है ना, जितने भी प्रोकैरियोट्स हैं सेल के, सबके अंदर सेल वॉल है सेल मेम्ब्रेन के बाहर, लेकिन माइकोप्लाज्मा में नहीं है। माइकोप्लाज्मा जो है सेल वॉल नहीं रखता। उसके बाद आता है द फ्लूइड मैट्रिक्स फिलिंग द सेल्स इज द साइटोप्लाज्म। ये अभी हम पीछे भी हम पढ़ चुके हैं, जो मैट्रिक्स होता है उसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं। देर इज़ नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो है वो डिफाइंड नहीं है बिल्कुल भी, जबकि यूकैरियोट्स का न्यूक्लियस जो है बहुत अच्छे से बना हुआ होता है। द जेनेटिक मटेरियल इज़ बेसिकली नेकेड, नॉट इन्वेलप्ड बाय अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है ना भाई, ये समझ आई आपको बात? जो जेनेटिक मटेरियल है वो बेसिकली नेकेड होगा, मतलब कोई उसकी मेम्ब्रेन नहीं होगी, जैसे कि यूकैरियोट्स में जो है हमारी होती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और ना ही ये इन्वेलप्ड बाय अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। सही सी बात है, जब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है तो नेकेड ही हुआ ना, ऐसे ही फिरता रहेगा बस सारे में। ठीक है, इन एडिशन टू द जेनोमिक डीएनए, द सिंगल क्रोमोजोम सर्कुलर डीएनए, मैनी बैक्टीरिया हैव स्मॉल सर्कुलर डीएनए आउटसाइड द जेनोमिक डीएनए। देखिए एक तो होता है डीएनए जो मेन होगा इनका, ठीक है ना, वो तो हो गया सर्कुलर डीएनए, होगा डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए। बहुत सारे बैक्टीरिया के पास हैव स्मॉल डीएनए आउटसाइड द जेनोमिक डीएनए। ठीक है ना, इसके अलावा भी इनके पास एक स्मॉल सर्कुलर डीएनए होता है आउटसाइड जेनोमिक डीएनए। इन स्मॉलर डीएनए का काम क्या होता है, इनको हम क्या बोलते हैं? बोलते क्या है इनको? प्लाज्मिड्स। जो सर्कुलर डीएनए छोटा सा मेन डीएनए के अलावा इनके पास होता है उसको हम बोलते हैं प्लाज्मिड। प्लाज्मिड डीएनए क्या करता है, इनको एक अलग सी यूनिक प्रॉपर्टी प्रोवाइड करता है, फिनोटिपिक फिजिकल प्रॉपर्टी, मान लीजिए देखने में कुछ अलग होगा, इस इनको फिनोटिपिक प्रॉपर्टी जो है प्रोवाइड करेगा। देखिए द प्लाज्मिड डीएनए कन्फर्स सर्टेन यूनिक फेनोटिपिक कैरेक्टर्स टू सच बैक्टीरिया। ठीक है ना, इतना हो गया।
अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पर. वन सच कैरेक्टर इज रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक्स. ठीक है ना, कि भाई एक बैक्टीरिया के पास प्लाज्मिड डीएनए है. क्यों है, क्या कर रहा है, उसका काम क्या है? वो इसको एक एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है. या कोई प्लाज्मिड जो है ट्यूमर इंड्यूसिंग होते हैं, टीआई प्लाज्मिड होते हैं, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड है, या फिर कोई फर्टिलिटी प्लाज्मिड है. तो इस तरीके से कई तरीके के अलग अलग प्लाज्मिड होते हैं जो अलग अलग प्रॉपर्टी जो है प्रोवाइड करते हैं किसी भी बैक्टीरिया को. इन हायर क्लासेस यू विल लर्न दैट दिस प्लाज्मिड डीएनए इज़ यूज टू मोनिटर बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन विद फॉरेन डीएनए. 12वीं के अंदर हमें इसका पूरा एक चैप्टर हमारे पास बायोटेक्नोलॉजी का पढ़ा हुआ है इसी लाइनों के ऊपर, कि जब हम पता लगाएंगे कि कोई बैक्टीरिया जो है ट्रांसफॉर्म हुआ है नहीं विद फॉरेन डीएनए. उसका काम प्लाज्मिड का बहुत ज़्यादा काम वहीं पर आता है. उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज फाउंड इन यूकैरियोट्स. अभी बताया मैंने आपको यूकैरियोट्स के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है. नो ऑर्गेनेल्स लाइक द वंस इन यूकैरियोट्स आर फाउंड इन प्रोकैरियोटिक सेल्स एक्सेप्ट फॉर राइबोसोम्स. इसको नोट करना भाई यहाँ पर पॉइंट को. जो प्रोकैरियोट्स होंगे उसके अंदर कोई भी ऑर्गेनेल नहीं होगा जो यूकैरियोट्स के अंदर होगा, एक्सेप्ट राइबोसोम. राइबोसोम जो है प्रोकैरियोट्स के अंदर भी होगा और यूकैरियोट्स के अंदर भी होगा. देखिए, नो ऑर्गेनेल्स लाइक द वंस इन यूकैरियोट्स आर फाउंड इन प्रोकैरियोटिक सेल्स एक्सेप्ट फॉर राइबोसोम्स. ये वाला फॉर राइबोसोम्स, ठीक है ना, ये याद हो गया. नेक्स्ट पॉइंट है प्रोकैरियोट्स हैव समथिंग यूनिक इन द फॉर्म ऑफ इंक्लूजन. प्रोकैरियोट्स के पास कुछ यूनिक होता है इन द फॉर्म ऑफ इंक्लूजन. अ स्पेशलाइज्ड डिफरेंशिएटेड फॉर्म ऑफ सेल मेम्ब्रेन कॉल्ड मेसोसोम इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोकैरियोट्स. एक स्पेशलाइज्ड डिफरेंशिएटेड फॉर्म है सेल मेम्ब्रेन की. क्या होता क्या है, जैसे कि ये सेल मेम्ब्रेन है, मान लीजिए ये सेल मेम्ब्रेन है, ये सेल वॉल है. अब हुआ क्या कि ये जो है ना, इस सेल मेम्ब्रेन के अंदर ऐसे ये ऐसे गोल ना बनने की, ऐसे बन गई, मान लीजिए ऐसे ये हो गया. इसको हम मेसोसोम बोल देंगे, बस ये हिस्सा जो इनफोल्डिंग हो गई सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, जो इनफोल्डिंग होगी ना उसको हम मेसोसोम बोल देंगे. देखिए यहाँ पड़ेगा, अ स्पेशलाइज्ड डिफरेंशिएटेड फॉर्म ऑफ सेल मेम्ब्रेन कॉल्ड मेसोसोम इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोकैरियोट्स. ये प्रोकैरियोट्स के अंदर पाई जाएगी, इनकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर है ये, ठीक है ना. दे आर इजेंशली इनफोल्डिंग्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन. जैसे कि मैंने बताया ये इनफोल्डिंग होगी इस तरीके से, इसको ही हम सेल मेम्ब्रेन की मेसोसोम बोल देंगे. ये इसको अलग से एक फीचर प्रोवाइड कर देता है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर है इसका. तो आज के लिए हमने इतना पूरा किया. नेक्स्ट लेक्चर में हम सेल एनवेलप एंड इट्स मॉडिफिकेशन करेंगे, और उससे अगले वाले में हम करेंगे यूकैरियोट्स के बारे में. तो अभी के लिए इतना ही. तो इसको आप रिवाइज़ कीजिए, अच्छे से पढ़िए, जो जो मैंने बताया उसमें से आप अपने शॉर्ट नोट्स बनाइए. और देखिए यहाँ पे साइज़ भी दिए गए हैं ना, बैक्टीरिया जो दे रखे हैं उन्होंने उसका साइज़ दिया है, टिपिकल यूकैरियोटिक सेल दिया है. इसके बारे में आप इनके साइज़ पढ़िए और इनको याद कीजिए अच्छे से. बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला पूरा पैराग्राफ, इंपॉर्टेंट है. यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं, जैसे ये मेसोसोम का ही एक आ गया, या फिर यहाँ से नो ऑर्गेनेल्स लाइक द इन यूकैरियोट्स आर फाउंड इन प्रोकैरियोट सेल एक्सेप्ट फॉर राइबोसोम. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से बन सकता है क्वेश्चन. और ये देखिए, द जेनेटिक मटेरियल इज बेसिकली नेक्ड नॉट इन्वॉल्वड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. ये हो सकता है, ठीक है, जब इनके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है. न्यूक्लियर अभी देखिए, ये मैंने अभी इसको पूरा कर देता हूँ, सही से बताता हूँ इसको दोबारा से, इसको ख़त्म करते हैं पहले तो, ठीक है ना, फिर मैं आपको बताता हूँ. मैंने आपको बताया था ना अभी कि इसके अंदर जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. तो फिर क्या है, इनके पास हिस्टोन प्रोटीन भी नहीं होते, नो हिस्टोन प्रोटीन.
ठीक है भाई, इसको जरूर याद रखना, इनके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, नेकेड न्यूक्लियस है, तो इनके पास हिस्टोन प्रोटीन भी नहीं होते, क्योंकि आपको पता है कि यूकैरियोट्स के अंदर जो आपका न्यूक्लियस है उसको बाउंड रखने के लिए हमें हिस्टोन प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है उसका, तो इसलिए यहाँ पे इनके पास ये भी एबसेंट है हिस्टोन प्रोटीन, तो इसको याद रखिएगा बहुत अच्छे से, याद करना, ये कई पॉइंट ऐसे हैं इस पैराग्राफ के अंदर जो आपको याद रखने ही पड़ेंगे कुछ भी हो जाए। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर के हम देखते हैं, अभी के लिए थैंक यू, गुड बाय, थैंक यू, बाय बाय।